जिसके लिए हमने लिया है एक पैन। अब हम उसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे। तेल को गर्म होने दें। अब हम उसमें ऐड करेंगे हमारा चॉप किया हुआ गार्लिक। टू टेबल स्पून जीरा। टू मीडियम साइज ऑनियन जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, से भी हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा करी लीव्स और थोड़े से ग्रीन पीस मतलब मटर, सबको ऑनियन में ऐड कर लेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, वन टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, टू एंड हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तीन पोटैटोज जिसको हमने बारीक कट करके लिया था। अब इन सबको हम मसाले में ऐड कर लेंगे। ये हमने पोटैटोज को मसाले में ऐड कर लिया। वन एंड हाफ स्पून नमक ऐड कर लेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने पोटैटोज और ग्रीन पीस को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें हम ऐड करेंगे हमारा चॉप किया हुआ हरा धनिया।
जिसको हमने थोड़ा बारीक चॉप कर दिया उसे भी हम ऐड कर देंगे और उसे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा ढक देंगे ताकि हमारे जो पोटैटोज़ है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। ये हमारी क्विक एंड ईजी रेसिपी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।